और भाई फाद, बकरा ईद करीब है, जानवर ले आया? अबे कहां से यार, मंडी इतनी चढ़ी हुई है, छोटे छोटे जानवर हो गए, 1 लाख 4 लाख 5 लाख ऐसे मांग रहे हैं। अबे भाई हम लोग तो जानवर ले आए, 1 लाख का 5 मन का जानवर ले आए। जबरदस्त यार, वैसे बकरा ईद का जो सीजन है ना वो लड़कों के लिए ही होता है। अबे भाई मैं तो सारा दिन गाय के साथ ही लगा रहता हूँ, कभी उसको चारा खिला रहा हूँ, कभी उसको टहला रहा हूँ, कभी उसके साथ सो रहा हूँ, चिमटा रहा हूँ, अलग ही मजा है यार। अबे भाई मैं भी पूरा दिन मंडी में फिरता रहता हूँ, कभी सुराब बोर्ड, कभी नूरानी मंडी, कभी छोटी मोटी मंडी, हर जगह फिरता ही रहता हूँ। हाँ यार, कभी सिब्बी का लंबा जानवर देख रहे हैं, कभी साहिवाल का तगड़ा जानवर, कभी ब्राह्मण, कभी कौन सी नस्ल, कभी कौन सी नस्ल, लड़कों के दिल की फीलिंग है यार। अबे क्या तुम लोग कब से गाय बकरों की बातें कर रहे हो यार, कोई आईटी की बात करो, कोई टेक्नोलॉजी की बात करो, दुनिया कहाँ जा रही है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, अजीब। क्या मतलब है भाई, बकरा ईद का मौसम है, बच्चियों की बात नहीं कर रहे तो बच्चियों की बातें करें क्या? अबे भाई मंडियों का इतना अनहाइजेनिक माहौल होता है, गोबर की बदबू, इन्फेक्शन, और जब बीमार हो जाते हैं तो कहते हैं हाय हम बीमार हो गए। अबे तुम्हें क्या पता गोबर की खुशबू का, मेरा बस चले ना मैं तो गोबर का परफ्यूम लॉन्च कर दूं। अबे भाई सीधी सी बात है, मुझे गाय नहीं पसंद। क्या बोला तूने भाई? मुझे गाय नहीं पसंद। अबे मुझे समझ नहीं आ रहा, इसको गाय क्यों नहीं पसंद? मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लड़का हो के गाय नहीं पसंद? हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे इसको गाय पसंद आ जाए। ऐसा क्या करना होगा? कुछ सोच, अकल लड़ा। अम्मा ये क्या कर रहा है? अबे मैं कह रहा हूँ आइडिया आया है। आइडिया पे तो ये करते हैं ना? हाँ हाँ आइडिया पे तो ये करते हैं। अबे ये क्या कर रहा है? मैं कह रहा हूँ चल। अबे तो चल पे तो ये करते हैं ना। हाँ। चल चल मिश्कात, फहद, तुम लोग मुझे यहाँ लेकर आए हो और यार तरफ गाय की आवाजें क्यों आ रही हैं? बेटा ये मंडी है मंडी, और यहाँ इंसानों से ज्यादा गायें पाई जाती हैं। और क्या बोल रहा था तू? तुझे गाय नहीं पसंद? हाँ भाई मुझे गाय नहीं पसंद। अब पसंद आएगी। क्या मतलब? मतलब ये है कि अब तुझे हर वो काम करना पड़ेगा जो एक गाय करती है। ऐसा क्या करने वाले हो तुम लोग? तेरा हगना, मूतना, खाना पीना इंसानों की तरह नहीं, एक जानवर की तरह होगा। अबे यार मुझे समझ नहीं आ रहा तुम लोग क्या बोले जा रहे हो। अरे मेरी जान इतनी जल्दी क्यों कर रहा है, थोड़ा सबर कर, आगे आगे देख होता है क्या। छोड़ो यार मुझे घर जाने दो, छोड़ो। कहाँ फंसा दिया यार तुम लोगों ने मुझे, घर जाने दो यार, खोलो मुझे। बात भाई समझ रहे ना? वे यार फाद, वो रहम नहीं कर रहा, तुम तो रहम कर लो, हम लोग बचपन के दोस्त हैं यार, घर जाने दो यार मुझे। बेटा तू अगर चाहता है कि तेरे साथ ज्यादा जुल्म ना हो तो तू यहाँ पे चुपचाप मुंह बंद करके बैठ जा। अबे यार हाथ भी बांधने में, गले में भी रस्सी बांध रहा हूँ, इंसान हूँ मैं, जानवर थोड़ी हूँ। अबे क्या बच्चों की तरह रो रहा है? चुप। अबे तू क्या कर रहा है? इसको बोलना मना कर इसको यार। चुप। छोड़ दो मुझे, खोलो। Ha 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 ha
फंसा दिया यार। कोई है? मुझे खोल दो यहाँ से, ये गाय मुझे मार देगी। सुनो सुनो, एक बात सुनो, जब तक हम ना बोले कोई इसकी रस्सी नहीं खोलेगा, क्योंकि इसकी देखभाल हम करेंगे। अब ये हमारा पालतू जानवर है। यार कहाँ फंस गया हूँ मैं। सही कहते हैं, जो ज्यादा बोलते हैं वही फंसते हैं। आज भी लग रही है यार। मुस्कान, फहद, अबे यार पानी पिला दो, प्यास लग रही है। क्या हो गया है, इतना शोर क्यों मचाया है? अबे यार मुझे प्यास लग रही है, पानी पिला दो। प्यास लग रही है? हाँ प्यास लग रही है। पानी पीना है? हाँ। पानी तो हम तुझे पिला देंगे। शुक्र है यार, तुम लोगों को इतना तो रहम आया मुझ पर। मगर एक शर्त है। अबे यार अब क्या शर्त है? शर्त ये है कि पानी इंसानों की तरह नहीं, गाय की तरह मांग। अबे यार गाय की तरह कैसे पानी मांगू? बोल। मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, सही से बोल। पानी पिला दो। हाँ अब आया ना मजा, चल हम तेरा पानी लेके आ रहे हैं, वेट कर। चल भाई पी इसको। अबे भाई पानी पीने के लिए मंगवाया था यार, नहाने के लिए थोड़ी मंगवाया था। ओ भाई बोला था ना तुझे, अब वो सब कुछ करना पड़ेगा जो एक गाय करती है, और गाय बाल्टी में पानी पीती है, गिलास में नहीं। चल पी इसको, जल्दी पी। अबे यार मैं इंसान हूँ, गाय थोड़ी हूँ, बाल्टी में कैसे पानी पीऊंगा? फहद लगता है इसको पानी नहीं पीना, उठा बाल्टी। नहीं नहीं एक मिनट, पी रहा हूँ पानी। पी जल्दी पी। कैसे पी रहा है? पी लिया। हाँ बोल, अब तुझे गाय पसंद है? अबे भाई कितनी दफा बोलूं मुझे गाय नहीं पसंद। हाँ भाई क्या हुआ, हो गया शौक पूरा तुम लोगों का? चलो जल्दी करो रस्सी खोलो मेरी। अबे ओ गायों के खाने का टाइम हो रहा है, इसलिए खाना खिलाने ले जा रहे हैं तुझे। क्या खिला रहे हो यार? शुक्र है तुम लोगों को रहम तो आया, जल्दी बताओ जिंगर पिज्जा बिरयानी क्या खिला रहे हो? अबे ओ जो सब गाय खाती हैं वही तू खाएगा, भूसा। क्या मतलब है मैं भूसा खाऊंगा? दिमाग खराब हो गया क्या तुम लोगों का? देख देख कैसे भूसा खा रहा है। इसको गाने दे टिक्के, कढ़ाई, पिज्जा, जिंगर बर्गर, भूसा खाना पड़ रहा है। सही से खा, सही से खा, चल चल जल्दी खा रहा हूँ। अब बता तुझे गाय पसंद है? अबे भाई कितनी दफा बोलूं मुझे गाय नहीं पसंद। अबे तेरी तो ऐसी की तैसी। भाइयों यार मैंने पानी बहुत ज्यादा पी लिया था तो मुझे सूसू आ रहा है, तो कर लो। क्या मतलब है, यही कर लूं? पागल हो गए हो क्या तुम लोग? ओ भाई बोला है ना तुझे हर वो काम करना पड़ेगा जो एक गाय करती है, वो देख वो गाय कैसे कर रही है। अबे भाई वो गाय है, मैं इंसान हूँ, इंसान वॉशरूम में करते हैं यार। अच्छा अच्छा तुझे शर्म आ रही है, तो हम एक काम करते हैं, हम मुंह इधर उधर कर लेते हैं, तू कर ले। चल इधर मुंह कर रहे हैं हम लोग। इधर करूं? तो करना, परेशान हो गए हम 2.5 घंटे से, ये भी परेशान है हम भी परेशान है, तो करो फिर।
कर रहा हूँ, यही कर रहा हूँ। हाँ कर लिया। चलो खुश। अबे यार फहद, दिन से रात हो गई है, हर तरीका आजमा लिया है, भूसा खिला दिया, बाल्टी में पानी पिला दिया, खड़े होके सूसू करा दिया, लेकिन वो अपनी बात का अड़ाव है, कह जा रहा है मुझे गाय नहीं पसंद। हाँ यार तू सही बोल रहा है। अबे सुन, मेरे पास एक आइडिया है जो कभी किसी ने नहीं किया, कुछ नया, कुछ अलग, कुछ खतरनाक। क्या तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूं? हाँ। अब क्यों आए हो तुम लोग? सुबह से रात हो गई, जुल्म करते करते तुम लोगों को चैन नहीं आया, अब क्या करोगे? देख भाई, तुझे हमने भूसा भी खिला दिया, बाल्टी में पानी भी पिला दिया, खड़े हो गए सूसू भी करा दिया, ये बता इसके बाद गाय के साथ क्या होता है? क्या होता है? कुछ नहीं होता। क्या मतलब? तुम लोग मुझे ज़िबा करोगे? हाँ, गाय की तो आखिरकार कुर्बानी होती है। अबे क्या पागल हो गए हो तुम लोग? तुम लोग कत्ल के केस में अंदर हो जाओगे, पुलिस पकड़ के ले जाएगी तुम्हें। अबे गाय को ज़िबा करने का कोई केस नहीं बनता। बे भाई मैं गाय थोड़ी हूँ, मैं एक इंसान हूँ यार। लेकिन हमारे लिए तू एक गाय है। बात भाई, जाए इसको हलाल करें। नहीं, एक मिनट, एक मिनट, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। भाई मुझे पता चल गया कि गाय हमारे लिए कितनी कुर्बानियां देती है, सारा साल बाड़ों में पलती है और हम उसको खरीद लेते हैं, उसके बाद हम उसको भगाते हैं, दौड़ाते हैं, भूसा खिलाते हैं, उसके बाद जब बकरीद आती है तो हम उसे ज़िबा कर लेते हैं और वो हमारे लिए अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाती है, फिर हम उसके टिक्के बनाते हैं, कबाब बनाते हैं और मज़े ले लेके खाते हैं। भाई एक दिन गाय बनने के बाद मुझे गाय का पता चल गया कि वो हमारे बारे में क्या सोचती है, और अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे गाय नहीं पसंद। भाई सुन तो ले यार, बल्कि मैं ये बोलूंगा कि मुझे गाय पसंद है। क्या क्या बोला तूने? मुझे गाय पसंद है। कहीं ऐसा तो नहीं तू कुर्बानी के डर से ये सब बोल रहा है? नहीं भाई, मैं ये किसी डर से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये मेरे दिल के हालात हैं, ये मेरे दिल की फीलिंग्स हैं कि मुझे गाय पसंद है।